अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनानी टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये मेरे पास एक हायर का एलईडी टीवी है, ये 32 इंच का है। तो इसमें फॉल्ट क्या है? फॉल्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नीचे जो है, शायद कैमरे में बिल्कुल वाजे नज़र ना आए, ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल लाइट ठीक जल रही है, ठीक है। जो नीचे वाले हिस्से में, यहाँ से ब्लैक नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर जो है वो ब्लैक नज़र आती है, ऊपर वाले हिस्से में ठीक है, नीचे वाले हिस्से में ब्लैक है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट तो जाहिर है, अगर इस तरह की कंडीशन है तो बैकलाइट का फॉल्ट हो सकता है। तो बहरहाल इसको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करके देखते हैं। तो बैकलाइट का फॉल्ट है क्योंकि ऊपर वाली जन लाइट इसमें जल रही हैं और नीचे वाली जो लेंथ है जो वो ख़राब है, ठीक है। नीचे वाली लेंथ ख़राब है जिसकी वजह से ये नीचे का रिजल्ट, नीचे जो ब्लैक नज़र आ रही है पिक्चर, ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल ठीक है, ये नीचे वाले हिस्से में यहाँ से ये ब्लैक ब्लैक पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। तो चलो रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके इसको देखते हैं। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया बैक कवर को। तो यहाँ पे आप ये इसका बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे इसके ये इसकी बैकलाइट के ये दो जैक हैं, ये दोनों, ठीक है। ये बैकलाइट के जैक हैं, यहाँ पे इससे नीचे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके पैनल का, ये स्पीकर का जैक है, ये इसके पैनल का जैक लगा हुआ है। तो इसको रिमूव करना पड़ेगा सारे को, बैक को ऊपर से स्क्रीन को हटा कर फिर देखते हैं। तो इसमें मैं भी इसको पावर दिए, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया इसको, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे आप देखेंगे, नीचे यहाँ पे आपको क्लियर तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है वो ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से में लाइट है, नीचे वाला ब्लैक। तो चलो रिमूव कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। तो जी, मैंने इसको रिमूव कर लिया ऊपर से कवर को। अब यहाँ से ये इसकी बैकलाइट आ गई, अब पिन को रिमूव करते हैं। तो जी फ्रेंड, मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो अब हम यहाँ से इसको चेक करेंगे कि इसमें कौन सी, ये नीचे वाले हिस्से में मैंने इसको ओपन किया, नीचे वाली लेंथ में, इसमें तीन लेंथें लगी हुई हैं। ये जो नीचे वाले हैं जो यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया, तो अभी यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे इनमें से, ये भी ठीक, ये नहीं यार भाई, ठीक है, ये भी ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें, ये भी ठीक है, तो ये दो भी ठीक, ये भी ठीक, ये दोनों ठीक। हमारी जो एलईडी है वो ये ख़राब है, ठीक है, ये वाली वर्क नहीं कर रही, ठीक। इसमें फॉल्ट देख सकते हैं, जल रही है, ठीक है। तो हमारी इसमें फॉल्ट है, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, ये ख़राब है। तो इसकी जगह पे हम नई ऐड कर लेते हैं, इसी जगह पे हम इसको नई ऐड कर लेते हैं। तो फिर इसको देखते हैं, इसको सोल्ड करती है जहाँ पे पहले वाली लगी हुई है उसको, ऊपर से सेम उसी जगह पे हम इसको ऐड करेंगे, ठीक। ये यहाँ पे लगी हुई थी पहले वाली, सेम उसी जगह पे, इसके ऊपर टेप कर देंगे।
इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ से पावर देते हैं, पावर दे के इसको चेक कर लेते हैं। तो जी मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे, हम इसको पावर दे के चेक कर लेते हैं फिर दोबारा से। ये मैंने इसको पावर दे दिया, ये मैं ये स्टैंड बाय से ओपन किया इसको, स्टैंड बाई से ओपन हो गया। देख सकते हैं हम हमारा सेट जो है ओके हो गया। पहले ऊपर दो ऊपर वाली दो लंथे जो है वो वर्क कर रही थी, लेकिन नीचे वाली में एक ये इसमें फॉल्ट था, ये ख़राब थी जिसकी वजह से ये जल नहीं रही थी, जिसकी वजह से नीचे वाला हिस्सा जो है वो ब्लैक नज़र आ रहा था पिक्चर। ऊपर वाले हिस्से में पिक्चर ठीक थी, नीचे वाले में ब्लैक पिक्चर नज़र आ रही थी। ठीक है, चलो इसके ऊपर दोबारा से स्क्रीन को ऐड करते हैं, ऐड करके फिर